हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बेटे के साथ जा रही हूँ अपनी आंखें टेस्ट करवाने के लिए। काफ़ी टाइम से ना मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और मेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ गया था। और ये ऑफिस से लेट आते हैं, बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, तो उस टाइम तक जाने का कोई टाइम नहीं रहता कहीं भी। तो बेटा कॉलेज से जब घर आया तो मैं इसके साथ ही गई हूँ अपनी आँखें टेस्ट करवाने के लिए और ये देखने के लिए कि मेरे चश्मे का कितना नंबर बढ़ गया है। सारे दिन ना चक्कर क्या है, हम मोबाइल से वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं ना, तो ये ना उसी का असर पड़ जाता है हमारी आँखों पर। उसकी लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा असर डालती है हमारी आँखों पर। आपने देखा होगा जो लोग ना मोबाइल से वीडियो बनाते हैं ना, तो ज़्यादातर उनके चश्मे लगे हुए हैं, तो ना बहुत ज़्यादा हमारी आँखें वीक हो जाती है अगर हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, उसकी लाइटिंग वगैरह जब पड़ती है हमारी आँखों पर। तो मैं यहाँ ना फरीदाबाद में ही आई हूँ अपनी आंखें टेस्ट करवाने के लिए। और ये क्या कहते हैं, मिनी कनाट प्लेस कहते हैं इसको, इस जगह को। और हम ना ज़्यादातर यहाँ पर रात को ही आए हैं घूमने के लिए मिनी कनाट प्लेस में। रात का व्यू यहाँ का ना बहुत ही अच्छा होता है, तो बहुत ही अच्छी जगह है ये घूमने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ मुझे अपनी आँखें टेस्ट करवानी है और अपने चश्मे का नंबर देखना है मुझे। बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पर ये। तो बेटे ने सर्च करा था तो मैं यहाँ पर पहली बार ही, पहले मैंने जो चश्मा बनवाया था ना वो दिल्ली से बनवाया था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 4:30-5:15 बजे का टाइम हो रहा है और मैं ना आज कहीं बाहर गई थी किसी काम से, तो आने में लेट हो गई और खाना भी ना आज मैंने लेट खाया है। 4:30 बजे आज मैंने खाना खाया है और खाना खाने के बाद ना मुझे नींद आने लगी और मैं आकर लेट गई। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए, तो इसलिए मैं यहाँ लेट कर आज ना बेड पर लेट कर आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप सब बताना आप लोगों की रक्षाबंधन कैसी रही है? हमारी तो रक्षाबंधन बहुत अच्छी रही है। मैं इस बार मम्मी के यहाँ नहीं जा पाई इस बार, तो बहुत ज़्यादा ना घर पे ना चक्कर क्या है, उस दिन गेस्ट आ गए थे बाहर से, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। तो मेरी मम्मी से, भाई से बात हो गई थी। तो आप लोग बताना आप लोगों की रक्षाबंधन कैसी रही है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की रक्षाबंधन बहुत अच्छी रही होगी। तो बस मैं आकर लेट गई, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद ना। ऐसा होता है कई बार कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमें नींद आने लगती है। और अभी ना बारिश आई थी बहुत देर पहले, मैं जब खाना खाने बैठी ना तो क्या था, मैंने कपड़े धोए थे आज, कपड़े सुखाए थे, आज बुधवार है, मैं मशीन लगाती बुधवार को शनिवार को, तो बहुत तेज़ बारिश आ गई और फिर ना थोड़े कपड़े मैंने अंदर उठा लिए थे, उसके बाद अब मौसम सही हो गया, धूप निकल गई है, तो मैंने कपड़े ना बाहर डाल दिए, अब सूख रहे हैं। इतनी तेज़ बारिश और उसके थोड़ी देर बाद ही धूप निकल गई, बस ऐसे ही रहता है मौसम का आजकल ना, ये रहता है थोड़ा सा। तो मुझे नींद आ रही थी, मैं मेरे पास अभी लिया लेट हुई थी यहाँ पे आके, अब वो ना उठ के चली गई फिर यहाँ से, मेरे पास ही लेट हुई थी, जहाँ भी मैं जाती हूँ ना मेरे पास आके लेट जाती है वो। और मेरे ना वीडियो भी बस ऐसे ही बन रहे हैं आजकल, एक तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और गणपति जी स्थापना होने वाली है अगले महीने की 7 सितंबर को गणपति स्थापना है, तो उसकी ना थोड़ी तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। घर की साफ़ सफाई, मतलब ज़्यादातर घर की साफ़ सफाई हो चुकी है वैसे, बस किचन रहती है और मेन काम ना किचन का ही रहता है, किचन में बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है जब हम सफाई करते हैं, तो बस किचन की सफाई रह रही है, किचन की सफाई होनी है, बाकी काम तो धीरे धीरे ना चलते रहेंगे ऐसे ही। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बालकनी में खड़ी हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सुबह से हल्की हल्की बारिश आ रही है, मतलब रात से ही बारिश आ रही है। वैसे रात को बहुत तेज़ तूफान और बारिश थी, लेकिन अब मौसम ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सोसाइटी में बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। और मेरा सारा काम हो गया, बस घर की साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर आई है, वो काम शुरू कर रही है साफ़ सफाई का, अब बस मेरा खाने का काम रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे मैं थोड़ी देर में। मैं आपको मौसम दिखा रही थी, बस अभी दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से, ये देखिए मौसम, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और एक लिया हमारी, क्या हो गया, परेशान रहती है बस, क्या हुआ, चलो चलते हैं।
मेरा कपड़ों का बिजनेस है ये, और मैं ये बिजनेस ना घर बैठ के करती हूँ, अपने घर के काम भी करती रहती हूँ सारे, और अपना ये बिजनेस भी करती हूँ कपड़ों का। तो मेरे पास ये स्टिच कुर्ती सेट है और अनस्टिच सूट भी है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो कोई भी हाउस वाइफ हो घर में बैठ कर आराम से ये बिजनेस कर सकती है और अपने घर के सारे काम वो कर सकती है, और बहुत आसान है इस बिजनेस को करना। ऐसे नहीं इसमें कुछ करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, बहुत आसानी से आप ये घर में बैठ कर बिजनेस कर सकते हैं और अपने घर के सारे काम भी आप कर सकते हैं। तो मेरे को इसमें 1.5 साल हो गया इस बिज़नेस को मेरे, और बहुत अच्छा चल रहा है मेरा ये बिज़नेस। तो ये ऑनलाइन भी है मेरा बिज़नेस और ऑफलाइन भी है, यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है, फेसबुक पर भी है, और इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी, इसको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए बैक कैमरे से ये स्टिच कुर्ती सेट है, यहाँ पर मैंने रखी हुई है सारी ये, और ये अनस्टिच सूट है सारे। तो फेस्टिवल चल रहे हैं, तो मैं ना थोड़ा स्टॉक लाना है मेरे को, जाऊंगी बाहर में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी अपना स्टॉक जो भी लेके आऊंगी मैं। तो जो मेरा ये रूम है ना, इस रूम का मेकओवर होने वाला है, क्योंकि मैं ना यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करती रहती हूँ कपड़ों की, तो थोड़ा मेकओवर करवाऊंगी इसका मैं अपने रूम का। ये दीवार है ना, तो वॉलपेपर वगैरह यहाँ पे लगवाना है मुझे, अच्छे से करवाना है इस रूम को अपने। अभी मेरा रूम ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो थोड़ा हम गणपति जी की तैयारी में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, तो टाइम नहीं है, उसके बाद करवाऊंगी गणपति जी के बाद में ये सारा काम। तो अभी थोड़ा ये सिंपल ही रखा हुआ है, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह भी बनानी पड़ती है ना यहाँ से, तो पीछे ना कुछ चाहिए वॉलपेपर वगैरह, अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो ये करवाना है यहाँ पर मुझे। और ये मंदिर है हमारा इधर, अभी मंदिर की भी ना साफ़ सफाई होनी है अच्छे से, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, तो इसकी साफ़ सफाई करूँगी। डेकोरेशन का सामान लाना है यहाँ पे, करनी डेकोरेशन मंदिर की, तो वो होएगा सारा। तो पीछे हमारा मंदिर है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जन्माष्टमी वाले दिन भी ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने कैसे डेकोरेट किया अपने मंदिर को। मैं खा रही हूँ आलू के पराठे मीठी दही के साथ, आलू के पराठे मीठी दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग कभी ट्राई करना इसको। तो मेरे साथ आलू के पराठे आप भी खा लीजिए। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए ना बालकनी में आ गई, लिया घूम रही है बालकनी में, लेकिन हवा नहीं है बिल्कुल भी। खुले बालों में ना गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, मैं पोनी बस ऐसे सारा दिन ऐसे ही बना के रखती हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा बाबू? सोना तुलसी का दिया जलाने जा रही हूँ मैं, पीछे मेरे हाथ में तुलसी का दिया है, ये मंदिर में पूजा कर ली है मैंने, पूजा हो गई है मेरी शाम की, और अब तुलसी का दिया जला रही हूँ मैं।
मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी और चावल। डिनर हमारा हो चुका है और रात के बज रहे हैं 11। और सैनी साहब देख रहे हैं यहाँ पर YouTube वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर किसी यूट्यूब पर। और बस अब सोने की तैयारी है, अब सोएंगे हम लोग, लेट हो गए काफ़ी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको आज का वीडियो मेरा ये ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पीछे घड़ी लग रही है, देखना घड़ी में 11:15 हो रहे हैं इस वक्त। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में।